हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए इस वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि टोरंटो आखिर में कितना एक्सपेंसिव पड़ा है मुझे, यानी कि मेरा दो हफ्ते का रहने का कॉस्ट आज हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में हम वो भी कॉस्ट डिस्कस करेंगे जो मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगा है और खाने पीने के लिए भी लगा है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए अब हम सबसे पहले रहने के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर आप कोई ऐसे कंट्री में जा रहे हैं या फिर ऐसे कोई सिटी में या प्लेस में जा रहे हैं जहाँ पे आपका रहने का कोई गार्ड नहीं है, यानी कि आपके रिलेटिव्स नहीं है या फिर कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, और उस वक्त आपको अपना रहने का बंदोबस्त खुद ही करना है, तो वो टाइम पे ऑब्वियसली आप होटल्स को ही सिलेक्ट करोगे। पर इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ ऑप्शन है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब मैं रहने के लिए थोड़ा ऑप्शन ढूंढ रही थी टोरंटो में, तो होटल्स जो है वो बहुत एक्सपेंसिव मुझे दिखाई दिए। बहुत सारे ऑप्शंस है होटल्स के, पर इतना एक्सपेंसिव है, प्लस उसके कुछ कंडीशंस भी होते हैं, जैसे कि आपको अगर प्राइवेट रूम चाहिए रहेगा, अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, चार पांच लोगों के साथ में जा रहे हैं, तो एक रूम में इतने सारे लोग नहीं रह सकते, और उसी के साथ में आप वहां पे कुकिंग भी नहीं कर सकते। अब होटल को अल्टरनेटिव क्या ऑप्शन हो सकता है? वेल, होटल का अल्टरनेटिव एक ऑप्शन है जो कि है एयरबीएनबी। जी हाँ, एयरबीएनबी एक ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू आप अपने लिए एक घर किराए पे ले सकते हैं, यानी कि होटल के बदले आप घर में जाके वहां पे जो भी ड्यूरेशन है आपका, मान लीजिए अगर आप वन नाइट के लिए जाना चाहते हैं या फिर एक हफ्ते के लिए जाना चाहते हैं या फिर एक महीने के लिए जाना चाहते हैं, तो आप वहां पे जाके रह सकते हैं। और प्रोसेस सेम होता है, जिस तरह से आप होटल बुक करते हैं उसी तरह से आपको एयरबीएनबी बुक करना होता है। अब एयरबीएनबी होस्ट कौन करता है? तो बेसिकली जो लोग घर के ओनर है वो खुद ही अपने घर की ऐड एयरबीएनबी के वेबसाइट पे ऐड कर देते हैं, और आपको बस वो देखना है कि अगर वो घर वो ड्यूरेशन में अवेलेबल है तो आपको बुक कर देना है। जैसे ही आप बुक कर लेंगे तो आपको जो भी होस्ट है वो आपका कन्फर्मेशन दे देगा कि आपका बुकिंग कन्फर्म हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसके इंस्ट्रक्शंस क्या है वो भी आपको फॉलो करने हैं, वो सारे चीज़ें हैं वो आपको होस्ट बता देंगे। पर एयरबीएनबी में और भी बाकी के कॉस्ट है, उसका भी ब्रेकअप वो लोग पूरा डिटेल में देते हैं। सबसे पहला बेसिक कॉस्ट है वो है कि वो अपार्टमेंट का पर नाइट का कितना चार्ज है। उसके बाद में बाकी के भी चार्जेस है, जैसे कि उनका क्लीनिंग फ़ी हो गया, सर्विस फ़ी हो गया, टैक्सेस हो गए, वो सारे भी चार्जेस वो लोग लिस्ट कर देते हैं, और बस आपको एक टोटल अमाउंट भी दिख जाता है, और उसके बेसिस पे आप अपने लिए घर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका एक और एडवांटेज ये है कि आपको पार्किंग वहाँ पे फ्री मिलता है, जो कि होटल्स में कभी कभार ऑप्शनल पार्किंग रहता है या फिर पार्किंग मिलता नहीं है और पेड पार्किंग होता है, तो यहाँ पे आपके पैसे भी बच जाते हैं क्योंकि एयरबीएनबी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पार्किंग अवेलेबल होता है। और एयरबीएनबी में बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं जो आप सिलेक्ट करना चाहें उस हिसाब से, जैसे कि अगर आप अपार्टमेंट रेंट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ अपार्टमेंट ही लिस्ट में आए सर्च करते वक्त, तो वो भी आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बीच का व्यू है, तो वो फिल्टर भी आप ऐड कर सकते हो, उस हिसाब से आपको जो भी घर है वो लिस्ट में आ जाएंगे। या फिर अगर आप पेट के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो पेट फ्रेंडली अपार्टमेंट भी है या नहीं है वो भी आप चेक कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एयरबीएनबी के साथ में। और अगर आप 2 BHK, 3 BHK या फिर पूरा विला रेंट पे करना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑप्शन मिलता है एयरबीएनबी के थ्रू। ये फैसिलिटीज होटल्स में नहीं होती है, तो इसीलिए मैं एयरबीएनबी बुक करती हूँ जब भी मैं बाहर घूमने के लिए जाती हूँ। अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ एयरबीएनबी का, मैंने जो अपार्टमेंट रेंट किया था वो कैसा है। अब ये जो अपार्टमेंट है इसका फुल्ली फर्निश्ड किचन था, ये एक 1-bedroom अपार्टमेंट था, इसका बेडरूम भी बहुत ही अच्छी तरह से जो मेरी होस्ट है उसने एकदम डेकोर करके रखा हुआ था, छोटी छोटी चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखा हुआ था, एक टीवी था, सोफ़ा था वहाँ पे, और डाइनिंग टेबल था, और एक झूमर, बहुत ही प्यारा सा झूमर उन्होंने वहाँ पे लगा के रखा हुआ था। आइए अब इस अपार्टमेंट का कॉस्ट मुझे कितना पड़ा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दो हफ्ते के लिए रही थी, तो उस हिसाब से हम डेट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, और इसका प्राइस जो यहाँ पे बता रहा है वो टोटल प्राइस भी बता रहा है और वो ब्रेकअप करके भी बता रहा है, यानी कि ये बता रहा है क्लीनिंग फ़ीस इतना है, सर्विस फ़ी इतना है, और उसके बाद में टोटल कॉस्ट जो हुआ है वो भी है। तो 1611 इज द टोटल अमाउंट फॉर 16 नाइट्स, और ये $82 पर नाइट के हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट किया है। और ये अपार्टमेंट के इतने सारे रूल्स भी उन्होंने लिस्ट किए हुए थे और बहुत सारे डिटेल्स भी थे। अगर आप अम्यूनिटीज़ के सेक्शन में जाएंगे तो अम्यूनिटीज़ में इन्होंने सारी फैसिलिटीज़ दी हुई है,
यानी कि लिस्ट है बेसिकली कि आपको ये अपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी लिस्ट है और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी तो रूम तो काफ़ी अच्छा था। आइए अब बात करते हैं खाने पीने के बारे में। अगर आप भी मेरी तरह थोड़े बहुत हेल्थ कॉन्शियस है और घर का खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो घर पे कुकिंग करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और इसीलिए मैं जो एयरबीएनबी में रही थी वहाँ पे मैंने इंश्योर किया था कि वहाँ पे किचन हो, और इस एयरबीएनबी में तो सारी चीज़ें थी, यानी कि बेसिक चीज़ें सॉल्ट से लेके शुगर तक और सारे यूटेंसिल्स तक थे वहाँ पे, तो किचन में मुझे कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब मेन चीज़ ये है कि अपनी वेजिटेबल्स है, अब वो मुझे ऑर्डर करना पड़ी। अब उसके लिए भी मैंने एक सर्विस यूज़ की जो कि है इंस्टाकार्ट। जी हाँ, ये एक सर्विस है, इसके थ्रू आपको जो भी सब्जियाँ चाहिए वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये लोग आपको घर तक लाके देंगे, यानी कि होम डिलीवरी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इनका कुछ एनुअल चार्जेस होते हैं, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस। तो फिर मैंने ऑर्डर किया और घर में खाना आ गया और मैंने कुकिंग करके खा लिया। पर अगर आप बाहर जाके थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या फिर एक्सप्लोर करना चाहते हैं टोरानो के रेस्टोरेंट्स को, तो वो भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि मैंने किया है 2-3 बार और मुझे काफ़ी अच्छा खाना लगा है। पर उसका कॉस्ट डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू जो आप खाना घर पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि एक शिमला मिर्च का जो चार्ज है कनाडा में वो $0.64 है। जी हाँ, ये $0.64 का चार्ज है यहाँ पे, और गोभी के लिए $2.04 लग रहा है। अब मैं आपके साथ में मेरी लिस्ट शेयर करती हूँ, और इतने सारे आइटम्स मैंने ऐड किए हुए थे तो मुझे टोटल एक्सपेंस जो पड़ा है, टोटल चार्ज वो हुआ था $137.15 का 2 हफ्ते का, जो मैंने खाना ऑर्डर किया था इंस्टाकार्ट से। और उसी के साथ में मैंने थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट्स का भी खाना ट्राई किया है, तो मैंने वहाँ पे भी ऑर्डर दिया, तो डोर डैश सर्विस यूज़ की थी मैंने उसके लिए, और इसके भी यहाँ पे चार्जेस है। फर्स्ट रेस्टोरेंट में अराउंड $84.66 हुआ था और दूसरे रेस्टोरेंट में अराउंड 91.91, क्या नंबर है, तो ये चार्ज मुझे लगा था, यानी कि टोटल बिल इतना हुआ था। आइए अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। जी हाँ, अगर सिटी को आपको एक्सप्लोर करना है, बहुत सारे डेस्टिनेशन को कवर करना है आपकी टू डू लिस्ट में से, तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन जो है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। उसके लिए आपको एक पास लेना पड़ेगा और उस पास के थ्रू आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस को अवेल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है उबर का। जी हाँ, आप उबर ऑर्डर कर सकते हैं और जहाँ पे भी जाना है उस हिसाब से आपको कॉस्ट है वो बेयर करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि कार रेंटल का ऑप्शन। अगर आप फ्लाई करके आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पे ही आपको कार रेंटल की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, या फिर आप एक वेबसाइट के थ्रू, बहुत सारे वेबसाइट है इनफैक्ट, एक वेबसाइट मुझे जो पता है वो है एक्सपीडिया या हॉट वायर, इसके थ्रू भी आप वन ऑफ द चीपेस्ट कार जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए और बुक कर सकते हैं, और बस आपको वहाँ पर जाके पिकअप करना है। पर अगर आप एयरपोर्ट पर ही जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट कार सर्विसेज है, जैसे कि अलामो हो गया या फिर बजट हो गया, हर्ट्स है और एंटरप्राइज कार्स भी है, तो इनके थ्रू भी आप कार रेंटल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। मान लीजिए अगर आप 2 हफ्ता या 3 हफ्ता रह रहे हैं तो उस हिसाब से आपको कार सिलेक्ट करनी है, ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है और बस उसके चार्जेस पे करने हैं। अब इस बार मेरे साथ में प्रॉब्लम ये हो गया कि मैंने एडवांस में कार जो है ये बुक नहीं की, तो जब मैं एयरपोर्ट पे गई और वहाँ पे कार रेंटल के बहुत सारे ऑप्शंस है, काउंटर्स है, तो वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे पता चला कि एक भी कार अवेलेबल नहीं थी, सब कुछ सोल्ड आउट था। तो क्योंकि ये समर का टाइम है और इसीलिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होते हैं आपको, तो इसीलिए मुझे तो कार मिली नहीं और मुझे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ उबर का ही सहारा लेना पड़ा। उबर के थ्रू ही मैं सिटी को एक्सप्लोर कर पाई 2 हफ्ते के लिए, तो उसमें थोड़ा बहुत मेरा कॉस्ट ज़्यादा हो गया। ऑब्वियसली अगर आप बहुत सारे डेस्टिनेशन को कवर कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट तो आपको बेयर करना ही पड़ेगा, तो वो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पर अगर आप पहले से ही प्लान करते हैं प्रॉपरली तो आप इन सारे कार सर्विसेज के डायरेक्टली उनके वेबसाइट पे जाके ही अपने लिए कार बुक कर सकते हैं। और कभी कभी अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयर का भी डिस्काउंट कोड होता है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आपको 5-10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो इस तरह से आप अपने लिए कार बुक कर सकते हैं।
तो आइए अब हम बात करते हैं फ्लाइट टिकट्स के बारे में। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम हर तरह के एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्लाइट टिकट्स को क्यों छोड़े, तो फ्लाइट टिकट्स को बुक करने के लिए दो तीन ऑप्शन हैं। तो सबसे पहला एक ऑप्शन है जो मैं प्रेफर करती हूँ, वो ये है कि आपके क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स को यूज़ करने का ऑप्शन। जी हाँ, अगर आपने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स को अकुमुलेट किया है तो आप उस पॉइंट्स के थ्रू अपने फ्लाइट के टिकट्स बुक कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि वो केस में आपके पॉकेट से कुछ पैसा नहीं जा रहा है, आप ये पॉइंट्स के थ्रू ही टिकट्स परचेस कर रहे हैं। पर इसमें क्या होता है कि आपको बेसिक इकोनॉमी का टिकट मिलता है और लगेज जो है उसका थोड़ा बहुत आपको चार्जेस पे करना होता है, क्योंकि कैरी ऑन लगेज लिमिटेड है, पर आपको जो चेक इन का लगेज है उसके थोड़े प्राइजेस आपको देखने पड़ते हैं, वो एयरलाइन के साथ में कंफर्म करना पड़ता है। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप क्रेडिट कार्ड नया खरीदो और उसके साथ में जो पॉइंट्स आएंगे उसके थ्रू आप अपना जो फ्लाइट टिकट है वो बुक करो। पर ये जो प्लान बता रही हूँ मैं, इसमें एक चीज़ है कि अगर आप ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको पहले तो उतना एक्सपेंस करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप नया क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो अगर उसका लिमिट है $10,000 का आप एक्सपेंस कीजिए, उसी के बाद में ही आपको ये 40,000 पॉइंट्स मिलेंगे, या अगर ऐसा कुछ उनका प्लान है तो ये तो थोड़ा खर्चीला हो गया, तो इसीलिए हम ये प्लान को नहीं यूज़ करेंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन जाके जो भी चीपेस्ट टिकट्स है वो बुक कर लीजिएगा। अब इसमें भी अगर आप थोड़ा जल्दी प्लान करेंगे, यानी कि 2 या 3 महीने पहले प्लान करेंगे, तो आपको फ्लाइट के टिकट्स कम मिलेंगे। जैसे ही आप 3 हफ्ते का जो ड्यूरेशन है, जिस दिन आप जाने वाले हैं उसके 3 हफ्ते पहले तक अगर आप बुक करना चाह रहे हैं तो टिकट्स थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपका ट्रैवलिंग डेट जो है वो नज़दीक आते जाएगा, वैसे वैसे टिकट्स और ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जाएंगे। तो हमेशा 2 या 3 महीने पहले आपको प्लान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब सारे कॉस्ट को हम ऐड कर लेते हैं। तो अकोमोडेशन के लिए मुझे लगा था $1,611, फूड के लिए $424, उसके बाद में ऊबर के लिए लगा है $315 और फ्लाइट का खर्चा हुआ था मेरा $707। और ये जो अमाउंट मैंने पे किया है, ये पे किया है मैंने USD में, कुल मिला के मेरा खर्चा हुआ है $3,057। अगर मैं इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ, जबकि आज डॉलर का रेट है 73.8, तो कन्वर्जन आता है 2,25,440 रुपए का। जी हाँ, इतना महंगा पड़ा है मुझे टोरंटो, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों के लिए। होप अब आपको बजट का अंदाज़ा आ गया होगा और इससे आपको अपने लिए प्लानिंग करने के लिए हेल्प हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।